अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। भाई आज की वीडियो हम बनाएंगे, जो भाई लोग कुवैत जाते हैं तो कुवैत को लेकर के बहुत बड़ा इशू रहता है कि यार कुवैत का मेडिकल जो होता है बहुत मतलब हार्ड होता है, तो उसके ऊपर ये वीडियो हम बनाएंगे कि मेडिकल कैसे होता है कुवैत का मेडिकल कैसे होता है, क्योंकि बहुत भाइयों की यही सोच रहती है कि यार कुवैत का मेडिकल मतलब बहुत हार्ड होता है और यार उसमें फेल हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो चलो वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत का वीज़ा इशू करवाते हो, वीज़ा लेते हो, तो आपके दिमाग में यही एक सवाल चलता है कि भाई यार कुवैत का मेडिकल जो होता है बहुत हार्ड होता है यार, कहीं फेल ना हो जाए, पैसा पूरा डूब ना जाए, क्योंकि बहुत से लोग फेल हो जाते हैं कुवैत के मेडिकल में। तो भाई हम आपको बताएंगे कि कुवैत का मेडिकल कैसे होता है और क्यों लोग फेल हो जाते हैं और क्यों मतलब इतना पैसा लगता है। तो इसके ऊपर की वीडियो बनने वाली है, तो पूरी वीडियो भाई देखना, पूरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तो भाई अगर आप कुवैत का वीज़ा लिए हो, किसी से भी लिए हो, तो कुवैत का वीज़ा आने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आप पहले जो है मेडिकल करवाओ, बोलते हैं PCC पहले बोलते हैं, लेकिन PCC के बारे में हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे। तो मेडिकल के लिए क्या होता है इशू कि यार बोलते हैं कि यार मेडिकल जब कराने जाओगे तो वहाँ पर बहुत हार्ड मेडिकल होगा और वहाँ पे मतलब क्या क्या चेक करते हैं। तो हम आपको नॉर्मली तरीके से बताएंगे भाई, कुवैत का मेडिकल जो होता है बिल्कुल सिंपली होता है, सिंपल, जैसे और कंट्री का मेडिकल होता है वैसे कुवैत का भी होता है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताएँगे। तो कुवैत का मेडिकल कैसे होता है, जैसे आप पहले गए हो, आप वहाँ पर जैसे ही जाओगे कुवैत पे, मतलब ऑफिस पे जाओगे कुवैत का मेडिकल कराने के लिए, मेडिकल सेंटर पे, तो वहाँ पर आपको 4500 रुपये फ़ीस जमा करना रहेगा। पहले तो आपका 1000 का गम का कटेगा, उसके बाद को फिर आपको 4500 रुपये फ़ीस जमा करना रहेगा। फ़ीस जमा करने के बाद क्या क्या चेक करते हैं ये हम आपको बताएँगे, आप लोगों का मतलब डर हम दिल से निकाल देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाओगे 4500 रुपये जमा करोगे, जमा करने के बाद फिर वहाँ पर आपको जो है स्लिप देंगे, और वहाँ पे हम तो ये कहेंगे भाई अगर आप सबसे पहले अगर कुवैत का मेडिकल कराने जा रहे हो तो सबसे पहले कच्चा मेडिकल कराना। कच्चा मेडिकल क्या होता है कि कुवैत का जो वीज़ा होता है वो हार्ड वीज़ा होता है, हार्ड कॉपी होता है, ओरिजिनल वीज़ा होता है। इधर साइड में देख सकते हो ये ओरिजिनल वीज़ा है कुवैत का। तो वहाँ पर क्या होता है कि ओरिजिनल वीज़ा आता है, और सऊदी का जो वीज़ा होता है वो फैक्स होता है, मतलब कि जो है वो ईमेल होता है। वीज़ा नंबर दे करके आप मेडिकल करा लो, फिर वो जो है स्टंप पे छप के आता है पासपोर्ट पे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल वीज़ा ही होता है। तो जब आप मेडिकल कराने जाओ तो सबसे पहले कच्चा मेडिकल कराओ। कच्चा मेडिकल का मतलब ये होता है कि जब आप कुवैत का मेडिकल कराने जाओगे तो वहाँ पर लोग कहते हैं कच्चा मेडिकल पहले करवा लो। क्यों बोलते हैं ये हम आपको बताते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि आपका ओरिजिनल वीज़ा जमा ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार बहुत हार्ड मेडिकल होता है इसलिए पहले बोलते हैं कच्चा मेडिकल करवा लो। नहीं, वो लोग ये कहते हैं कि पहले आप कच्चा मेडिकल करवा लो, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना ओरिजिनल वीज़ा साथ में लेके जाओ, फिर दवाई कर लो, फिर आओ, फिर मेडिकल कराओ। और यही हम आपसे कहेंगे भाई कि अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हो तो पहले कच्चा कराओ। जहाँ इतना रुपये मतलब लगा दिए हो तो 2000 रुपये और नहीं सही, 2000 या 2500 रुपये लेते हैं। आप कच्चा मेडिकल कराओगे, कच्चा मेडिकल कराने के बाद फिर वो इस नॉर्मल तरीके से चेक करेंगे, ब्लड, एक्सरा, आँखों की जाँच और ये सब चेक करेंगे। उसके बाद को फिर अगर वो आपकी रिपोर्ट मतलब सही है तो आपको फिर दूसरे दिन बोलेंगे ओके, तो आप पक्का मेडिकल हार्ट करवा लो, ठीक है। और एक गलती यहाँ पर मतलब लोग फेल क्यों होते हैं, ये बात हम आपको बताएंगे। जब भी आप मेडिकल कराने जाओ अपना नंबर लगाओ, वहाँ पर किसी ऑफिस का नंबर नहीं लगाओ। जब भी मेडिकल कराने आप जाओ तो अपना नंबर लगाओ। अपना नंबर क्यों लगाओ ये बताते हैं आपको कि अगर फिट या अनफिट की मैसेज आता है तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा। फिट या अनफिट का मैसेज आता है तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा अगर आप ऑफिस वाले का नंबर लगाओगे। अगर फिट आ रहा है तब भी वो आपसे कमाएगा, अगर अनफिट आ रहा है तब भी आपसे वो कमाएगा, क्योंकि वो आपको जो बताएगा आपको वो मानना पड़ेगा। वो बता दिया कि भाई आपको ये प्रॉब्लम, फिट हो गए हो तभी भी वो बताएगा भाई आपको ये प्रॉब्लम है, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो आप मजबूरी में, तो हम हर ऑफिस वालों को नहीं कह रहे हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका, मैं जानता हूँ। तो कुवैत का मेडिकल जब आप कच्चा करा लोगे, पक्का कराने के लिए जब जैसे ही जाओगे, कोई नॉर्मल तरीके से भाई जैसे सऊदी का मेडिकल होता है वैसे ही कुवैत का मेडिकल होता है। कुवैत के मेडिकल में कोई अलग से कुछ नहीं चेक करते।
सबसे पहले आप जाओगे ब्लड चेक करेंगे, ब्लड चेक करने के बाद फिर एक्सरा लेंगे आपका, एक्सरा लेने के बाद फिर आपकी आँखों का टेस्ट करेंगे, मतलब अगर आप ड्राइविंग में जा रहे हो तो आपका आँखों का टेस्ट करेंगे, आँखों का टेस्ट करने के बाद फिर आपके मतलब कपड़े उतार के चेक करेंगे कि कहीं कटा पिटा तो नहीं है या हाइड्रोसील तो नहीं है, ये सब चेक करेंगे मालूम है। उसके बाद आपका वज़न चेक करेंगे, ठीक है, फिर आपका मतलब वो सामने LCD लगा देते हैं, वो चेक करेंगे, नंबर मतलब गिनती गिनती पूछेंगे, ये सब चेक करते हैं नॉर्मल तरीके से, कुछ भी अलग से नहीं चेक करते, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चेक करते हैं कुवैत के मेडिकल में। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम कुवैत रिटर्न है, हमको मालूम है, हम मेडिकल करा चुके हैं, सऊदी का भी करा चुके हैं, कुवैत का भी करा चुके हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये कुवैत का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, उसमें आप फेल हो जाओगे, ये वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें बता करके आपको पहले से ही डरा देते हैं। नहीं भाई, कोई भी टेंशन नहीं, आप जाओ नॉर्मल तरीके से, ऊपर वाले का नाम लेकर के जाओ, लेकिन हाँ भाई कच्चा मेडिकल पहले आप करा लेना। अच्छा, कच्चा मेडिकल क्यों कराओगे? अभी हमने आपको बताया है कि आपका वीज़ा जमा हो जाएगा, तो वहाँ का क्या होता है भाई कि अगर आप डायरेक्टली पक्का कराओगे और ख़ुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, हम तो कहते हैं भाई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि परदेसी भाई यार बड़ी मेहनत से यार कोशिश करके हिम्मत ठान के यार कोशिश करते हैं कि चलो यार चलेंगे, घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम तो दुआ करते हैं भाई जो भी परदेसी भाई आए तो वो भाई फिट हो जाए, अल्लाह उसको फिट कर दें, फिट होकर ही आए। तो अगर आप डायरेक्ट पक्का कराओगे तो पक्के में क्या रहता है, रिस्क रहता है, ये रिस्क रहता है कि अगर आप पक्का करा रहे हो मेडिकल, खुदा ना खास्ता आपके एक्सरे में प्रॉब्लम आ गई, ब्लड में प्रॉब्लम आ गई और आप दवाई से ठीक हो सकते हो, तो उसमें चांस आपको नहीं देंगे, आप डायरेक्टली जो है आपका अनफिट कर देंगे। इस साइड में देख सकते हो ये BJP स्टंप लगा देंगे, अनफिट का लगा देंगे, फिर आपसे बोलेंगे भाई आपका वीज़ा जमा हो गया। वो क्या करते हैं, वीज़ा उठा के MBC भेज देते हैं, इंडियन MBC, वो आपको फिर चांस दोबारा नहीं मिलता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं पहले आप कच्चा मेडिकल करा लो फिर पक्का करा लो, मालूम। तो जहाँ आप मतलब इतना खर्चा करो तो 2000-2500 रुपये और नहीं सही, आप वो लगा करके भाई पहले कच्चा कराओ, कच्चे में आप फिट हो फिर आप डायरेक्टली पक्का करा लो, पक्का कराओगे फिर उसके बाद आपको दूसरे दिन बुलाएंगे, वो आपका अपना ही नंबर लगाना वहाँ पर, आपको पता चलेगा फिट हो अनफिट हो। अपना नंबर लगाने के बाद फिर दोस्तों आपके पास मैसेज आएगा, आप वहाँ पर जाओ, वो वीज़ा और वीज़ा जमा कर लेते हो, ओरिजिनल वीज़ा, उसी पर आप इधर देख सकते हो फिट का ये मतलब मोहर लगा करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे वापस, फिर वो आपको मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे वापस। कोई मतलब ख़ास तरीके से वहाँ पे चेक ही नहीं होता है कि मतलब कुवैत का मेडिकल हो रहा है तो कुछ अलग तरीके से चेक करेंगे या कुछ अलग चेक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, नॉर्मली मेडिकल चेक करते हैं, जैसे सऊदी का मेडिकल होता है वैसे कुवैत का होता है। बट कुवैत में क्या होता है कि वो अगर उसमें अगर फेल हो गए तो आपका वीज़ा जो है जमा हो जाएगा, चांस नहीं मिलता है, फिर आपको उनको घूस देना पड़ेगा, वो पैसे लेंगे तो देना होगा, देंगे नहीं देना होगा फिर डायरेक्टली वो मना कर देंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी भाई, अभी हम नए इस चैनल पे बोल नहीं पाते हैं लेकिन हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको बिल्कुल सही देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।